नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। मध्य प्रदेश को लेकर एक बार फिर मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी की गई है। मौसम का हाल लेकर एक बार फिर एमपी तक आप सभी के बीच में आ गया है। दर्शकों को बता दें कि पिछले कई दिनों से मध्य प्रदेश में बारिश से राहत मिली हुई है, लेकिन अब मौसम विभाग का मानना है कि मध्य प्रदेश के कुछ अंचलों में बारिश हो सकती है। कुछ जगह है जहां के लिए अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। ग्वालियर चंबल का अगर कुछ हिस्सा छोड़ दिया जाए, जिसमें कि ग्वालियर, शिवपुरी और मुरैना, भिंड, ये तमाम जिले आते हैं, तो बाकी मध्य प्रदेश के लिए आपको बता दें कि येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें भोपाल संभाग, इसके अलावा मालवांचल, नीमच, आगरमालवा, छिंदवाड़ा, बालाघाट, पूरा महाकौशल और विंध्य क्षेत्र भी शामिल है। वहीं बुंदेलखंड के कुछ हिस्से जैसे कि निवाड़ी, टीकमगढ़, यहां पर बारिश नहीं होगी, लेकिन बाकी बुंदेलखंड में बारिश होते हुए दिखाई देगी। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है, जिसके मुताबिक जो हालात हैं वो वेट एंड वॉच वाले रहेंगे। कई जगहों पर हल्के बादल और हल्की बौछारें देखने को मिल सकती है, हालांकि भारी बारिश नहीं होगी, ऐसा मौसम विभाग का कहना है। वही आपको बता दें कि रिकरिंग मॉनसून के चलते, यानी कि अब मॉनसून लौटता हुआ दिखाई दे रहा है, इसके चलते मध्य प्रदेश में बौछारें पड़ सकती है। इसके अलावा भी बता दें आपको कि मॉनसून के जाने के साथ मध्य प्रदेश के तापमान में गिरावट भी दर्ज की जा सकती है। फिलहाल अगर तापमान की बात करें तो मध्य प्रदेश में एवरेज टेम्परेचर देखा जा रहा है, कई जगहों पर लोगों को उमस का भी सामना करना पड़ रहा है, लेकिन माना यह जा रहा है कि आने वाले 72 घंटे मध्य प्रदेश में बारिश देखी जा सकती है। कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर भारी बारिश हो सकती है, लेकिन मौसम विभाग ने प्रशासन को लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा है। इसके अलावा मौसम विभाग ने तेज हवा चलने और बिजली गिरने का भी अनुमान जो है वो जारी किया है। वहीं आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में पिछले दिनों बारिश से हाहाकार मचा हुआ था, कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात थे। मुख्यमंत्री से लेकर विधायक भी सड़कों पर नजर आए थे, जहां एक तरफ मुख्यमंत्री मोहन यादव सभी जिला कलेक्टर के साथ बैठक कर रहे थे, वहीं कई विधायकों को हमने बारिश और बाढ़ के बीच में सड़कों पर उतरते हुए देखा था। फिलहाल मौसम विभाग की माने तो मध्य प्रदेश में तेज बारिश नहीं होगी, लेकिन हल्की बारिश का असर मध्य प्रदेश में देखा जाएगा। मौसम को लेकर जो भी अपडेट होगा वो एमपी तक आप तक लेकर आएगा। मध्य प्रदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।